और गुड आफ्टरनून कहना चाहेंगे आपको। ओपनिंग कमेंट्स के साथ शुरुआत करें, बिकॉज नंबर्स बहुत अच्छे हैं सर, और काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपने दिखाया है, जो सरकार का एक प्रयास रहा है और आपने भी जो काफ़ी एफर्ट्स डाले बैलेंस शीट को हेल्दी करने में, वो फाइनली अब दिखने लगे हैं नंबर्स में। तो सबसे पहले तो आपके ओपनिंग कमेंट्स, कैसे आपने ग्रोथ को आते हुए देखा, कहाँ से सपोर्ट है, और उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें। अशोक जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बैंक के सारे 87,000 प्लस इम्प्लॉइज को मैं बधाई देना चाहूंगा, और उनके सपोर्ट के बिना इस लेवल तक हम पहुंच नहीं सकते थे। तो मैं आर्म गार्ड से लेकर सब स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ एंड मेरे सारे ऑफिशियल्स इसके लिए बधाई के पात्र हैं। दूसरा मैं श्रेय देना चाहूंगा, मैं 10 करोड़ प्लस जो हमारे कस्टमर्स हैं, आई थिंक उनका फेथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति रहा है, उनकी बदौलत आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं, और कंटिन्यूअस क्वार्टर टू क्वार्टर हमने एक अच्छी परफॉर्मेंस अपनी बैंक की दी है। सो नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक, अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारा ग्रॉस एडवांसेस दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 16.65%, ग्लोबल बिजनेस हमारा इंक्रीज हुआ है 13.63% से, नेट प्रॉफिट 91.88% वेरी स्पेसिफिक, इट हैज गॉन अप नाउ एंड द फिगर इज 2,882 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिस्टेंटली, आप हमारे एवरी क्वार्टर इफ यू आर वॉचिंग अवर परफॉर्मेंस तो आप देख सकते हैं कि एवरी क्वार्टर वी आर ग्रोइंग इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इस क्वार्टर में भी हमने 19.80% का ग्रोथ दिया है इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। PCR, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग NPA मैनेजमेंट के लिए, PCR हमारा 86.32% हो गया है। ईयर टू ईयर बेसिस पे अगर हम इसको कंपेयर करें तो 306 बेसिस पॉइंट हमारा PCR इंप्रूव हुआ है। नॉन इंटरेस्ट इनकम अगेन इस क्वार्टर में भी हमारा बहुत बढ़िया रहा है, 23.81% से हमारा ग्रोथ हुआ है, एंड हम 8,600 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम हमने कंट्रीब्यूट किया है इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। नॉन इंटरेस्ट इनकम अगेन इन दिस क्वार्टर वी हैव ग्रोन बाय 10.35%, एंड ईयर टू ईयर दैट ग्रोथ हैज हैपेंड, एंड फाइनली द फिगर इन दिस क्वार्टर हैज कम टू 3,986 करोड़। रैम क्रेडिट 13.81% से ग्रो हुआ है। ग्रॉस NPA इट इज डाउन बाय 191 बेसिस पॉइंट एंड इट इज नाउ 5.89%। नेट NPA इज 90 बेसिस पॉइंट डिक्लाइन हुआ है एंड नेट NPA इज नाउ 1.96%। सर, इन द रिटेल सेगमेंट में हमारा एवरेज जो ग्रोथ हुआ है दैट इज इन द रेंज ऑफ अराउंड 14-15%, एंड स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं इसमें जो रिटेल, एग्रीकल्चर एंड द MSME, दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द RAM, तो मैं हाउसिंग लोन में हमारा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुआ है, 15.81% ईयर टू ईयर ग्रोथ है। गोल्ड लोन अगेन इन द PSBG स्पेस एंड द इंटायर बैंकिंग स्पेस आई थिंक वी आर द मार्केट लीडर एज ऑन टूडे, एंड हमारा जो ग्रोथ है इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट दैट इज 34.21% ईयर टू ईयर है, एंड दैट पोर्टफोलियो आज की डेट में 1,15,286 करोड़ है, विच इज द हाइएस्ट इन द बैंकिंग सिस्टम एज ऑन टूडे। हमारा रिटेल क्रेडिट 11.30% से ग्रो हुआ है, फी बेस्ड इनकम 13.02% से ग्रो हुआ है। इस सभी का परिणाम यह हुआ कि हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी दैट हैज इंप्रूव्ड बाय 630 बेसिस पॉइंट एंड इट इज 18.38%। CRAR अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट है एंड फॉर द ग्रोथ के लिए, दैट हैज इंप्रूव्ड बाय 192 बेसिस पॉइंट एंड आज की डेट में इट इज 16.72% है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, वी आर एट 44.40%। सो इन ऑल द पैरामीटर्स अगर हम बात करें तो आई थिंक बैंक हैज डन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हुई है, ऑल द की पैरामीटर्स बैंक इज कंसिस्टेंटली डूइंग वेरी वेल। अशोक जी, अब नेक्स्ट, आपने बहुत अच्छे से पहले तो समझाया तो उसके लिए शुक्रिया। अब मैं समझना चाह रहा था, और शायद सारे लोग जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी ग्लोबल लोग हैं जो हमारे शेयर्स पर नज़र रखते हैं, NPA इसको बहुत अच्छे से आप सुधार रहे हैं, तो किस प्रकार का फोकस अभी फिलहाल कैनरा बैंक का है वहाँ पर, और अशोक जी आप किस प्रकार से उसको और आगे कम करने की योजना रख रहे हैं, क्योंकि सरकारी बैंक्स में ये एक मुद्दा ज़रूर था जिसके ऊपर सबकी नज़र थी, आप इसे कैसे और आगे बढ़ा रहे हैं, और क्या रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह आने वाले वक्त में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर, NPA के ऊपर सबसे पहला हमारा जो फोकस है फॉर दिस इंटायर NPA मैनेजमेंट वो है कि हमारी एवरी क्वार्टर रिकवरी
स्लिपेजेस से ऊपर होनी चाहिए. दैट इज द फर्स्ट थिंग विच वी आर फोकसिंग ऑन. एंड एवरी क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो एवरी क्वार्टर हमारा रिकवरी का जो टोटल क्वांटम है वो फ्रेश स्लिपेजेस हमारी जो क्वार्टर में हो रही है उससे ज्यादा है. इन दिस क्वार्टर ऑल्सो 3100 करोड़ की हमारी रिकवरी हुई है एंड अराउंड 3000 करोड़ की हमारी स्लिपेजेस है. तो ये तो सबसे पहला हमारा फोकस है और ये फोकस आगे भी कंटिन्यू करेगा. दूसरा जो हमारी पोर्टफोलियोज है, हम बहुत सारी रिजोल्यूशंस की जो स्कीम्स हैं हमारी, जैसे एनसीएलटी का एक रिजोल्यूशन है. एनसीएलटी रिजोल्यूशन में हमारा इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस जो एनसीएलटी से आना था वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ नहीं है, इसके बावजूद हम 3100 करोड़ की रिकवरी किए हैं. गोइंग फॉरवर्ड बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जो बिल्कुल मैच्योरिटी पे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फोर्थ क्वार्टर में एंड गोइंग फॉरवर्ड अगेन इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स ऑल्सो जितने ये रिजोल्यूशन एनसीएलटी में पेंडिंग है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही साइजेबल रिकवरी होने वाली है. आपने देखा होगा आई थिंक दो दिन पहले ही एक बहुत बड़ी रिकवरी हुई है फॉर द इंटायर बैंकिंग सिस्टम थ्रू द एनएआरसीएल जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग था और वो एक बड़ी रिकवरी हुई है. ऐसा करके बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं सिस्टम में जहां पे हम भी उसमें स्टेक है हमारा भी. तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q4 ऑनवर्ड्स डेफिनेटली रिकवरी बहुत ज्यादा होने वाला है टू आवर कैनरा बैंक. बहुत अच्छे से सर आपने समझाया है. अब नेक्स्ट चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ, सिंस हमारे डिपॉजिट जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ उसमें डबल डिजिट में है वो कंटिन्यूस हो रहा है और ऐसे माहौल में अब जब हमारे एनपीए भी रिकवर होने लगे हैं तो नए प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका ध्यान ज़रूर रहेगा कि जो आप और ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें ऐसे माहौल में. होम लोन वगैरह की तो हमने बात की, लेकिन उसके अलावा ऐसे नए क्या प्रोडक्ट्स पर आपका फोकस है, गोल्ड लोन वगैरह हो गया या दूसरे जो पॉइंट्स है उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप इनसाइट दे पाए तो. सर एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव पिछले दो तीन महीने के भीतर हमने जो अपने बैंक में लिया है, डिजिटल इनिशिएटिव्स एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स इन द रिटेल लोन्स वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. जैसे हमारी व्हीकल लोन है, व्हीकल लोन में हम बिल्कुल एसटीपी जर्नी हमने इनिशिएट कर दिया है. फ्रॉम द सोर्सिंग ऑफ लोन टिल डिस्पर्समेंट इंटायर थिंग हम थ्रू द एसटीपी जर्नी कर रहे हैं. ये प्रोसेस ऑलरेडी हमने बैंक में स्टार्ट किया है. गोल्ड लोन अगेन इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गोल्ड लोन में हमें टैट इतनी अच्छी रखनी पड़ती है तभी जाकर हमारा गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो इंप्रूव हो सकता है. एंड हमारा टैट अच्छा है लेकिन इसके बावजूद हमने अभी डिजिटल इनिशिएटिव उसमें इंट्रोड्यूस किया है. एंड अनदर 10 डेज टाइम में पूरी जर्नी हमारी डिजिटल जर्नी के थ्रू एसटीपी जर्नी हम गोल्ड लोन पूरा डिस्बर्स करने जा रहे हैं. तो दो तीन ऐसे एरियाज हैं जहां पे हमने ऑलरेडी इनिशिएट किया है. गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो अगर आप हमारी वेबसाइट को ट्रैक करेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ आरएफपी हमने अभी फ्लोट किया हुआ है फॉर फिनटेक जर्नी. वी आर गोइंग टू टेक दोज फिनटेक कंपनीज ऑन बोर्ड टू आवर बैंक नाउ. सो प्लान है बिफोर मार्च अराउंड 30-40 फिनटेक कंपनीज के साथ हमारा कोलेबरेशन होने जा रहा है. तो हमारा फोकस ये है बिकॉज यूपीआई में पेमेंट सिस्टम में वी आर ऑलरेडी क्वाइट अहेड नाउ. तो हमारा फोकस है अकाउंट ओपनिंग पूरी तरह हमारी डिजिटल है. तो हमारा फोकस अभी ये हो रहा है कि डिजिटल लेंडिंग में हाउ मच कन्वीनियंस वी कैन प्रोवाइड टू द कस्टमर्स एंड हाउ मच कन्वीनियंस वी कैन प्रोवाइड टू आवर स्टाफ ऑल्सो. जिससे इसका नतीजा ये होगा कि हमारे स्टाफ के पास काफी टाइम होगा मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए एंड रिकवरी एक्टिविटी के लिए. तो दिस सोर्सिंग ऑफ द एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग ऑफ दोज लोन एप्लीकेशन, एवरीथिंग वी वांट टू डू इट थ्रू आवर डिजिटल चैनल. तो हमने अभी डिजिटल पॉलिसी इंप्रूव की है, अपनी बोर्ड से अप्रूवल ली है. तो इस डायरेक्शन में अभी एपीआई के लिए हमने आरएफपी फ्लोट किया है. सो आई थिंक 30-35 एपीआईज के साथ हमारा इंटीग्रेशन होने जा रहा है बिफोर 28 ऑफ फरवरी. एंड हमने अभी सीडीओ की भी एक वैकेंसी मार्केट में निकाली है. तो सीडीओ सो इन बहुत बड़े स्केल पे हम अपने बैंक में डिजिटल इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं. एंड उसके आधार पे बहुत सारी हमारी जो प्रोडक्ट कासा में प्रोडक्ट हम कुछ इनबिल्ट कर रहे हैं जहाँ पे अदर बेनिफिट्स वी कैन गिव इट टू द न्यूली ओपन्ड अकाउंट्स एंड आवर एग्जिस्टिंग हाई HNI अकाउंट होल्डर्स. सो बहुत सारी नई नई इनिशिएटिव्स अनदर 3 मंथ्स टाइम आप देखेंगे बेस्ड ऑन द डिजिटल वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन द बैंक.